हे गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी आइडियाज़ जो आप ट्राई कर सकते हो अपने घर पर। बिलीव मी गाइस, आपको ऐसी कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपके घर में नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, द फर्स्ट आइडिया इज़ मिनिमल पोर्ट्रेट। अब मिनिमल पोर्ट्रेट्स में क्या होता है, हम लोग हमारा जो फोटो है उसमें ज़्यादा एम्प्टी स्पेस रखते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है यानी खुद, क्योंकि हम लोग सेल्फ पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो हम लोग खुद को बहुत ही यू नो स्मॉलर बताते हैं, जिससे सारा जो फोकस है हम लोग पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है और एक ही सब्जेक्ट है हमारे फोटो में। अब अगर आपके घर में एक प्लेन वॉल है बड़ी, तो आप ये आसानी से कर सकते हो, बट अगर आपके घर में नहीं है तो चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक प्लेन बैकग्राउंड पर एक फ़ोटो ले लेना है कुछ इस तरीके से, और फिर बाद में एडिटिंग में आपको उसका जो बैकग्राउंड है उसको स्ट्रेच कर देना है कुछ इस तरीके से। So here are some portraits that I've clicked using this minimal portraits technique. हाँ, वो सेकेंड आइडिया में आपको क्या करना है, जितने भी आपके घर में कलर्ड क्लोथ्स है उसको बाहर निकाल लेना है। आप अपने मॉम का वार्ड्रोब चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको साड़ी दुपट्टा जितने भी कलर्स के मिल रहे हैं सब निकाल लो, बट पूछ के निकालना वरना मालूम पड़ा आपको फिर बाद में। और आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई पर्दा रहे आपके पास, बट यू नो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि जो टॉवल है या फिर जो पर्दा है उसमें कुछ पैटर्न्स ना हो और प्लेन रहे एकदम। फिर उन सब क्लोथ्स को आपको कुछ इस तरीके से हैंग कर देना है, जिससे आप क्रिएट कर पाओगे एक डोप बैकड्रॉप फॉर टेकिंग सम सेल्फ पोर्ट्रेट। सो गाइस, हियर आर सम ऑफ द रिजल्ट्स दैट आई गॉट यूजिंग दिस बैकड्रॉप। अब मुझे पता है आप क्यूरियस होगे कि ये किस तरीके का ग्लासेस मैंने पहना है, जो कि मैंने हर एक सेल्फ पोर्ट्रेट आइडिया में पहना था। एक्चुअली ये फ्रेम पड़ा हुआ था ऐसी, तो मैंने थोड़ा सा यू नो पेपर रोल करके यहाँ पर उसको सेलो टेप लगा दिया और एक फैशनेबल ग्लासेस बना दिया हो, तो आई नो आई एम टैलेंटेड। ओके, सो गाइस, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कि हमारा जो बैकड्रॉप हो वो प्लेन हो हर बार, बट इस थर्ड सेल्फ पोर्ट्रेट आइडिया में हम लोग जितना रिंकल्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे क्लोथ में उतना ज़्यादा क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो बैकग्राउंड है उसमें हम लोग को टेक्स्चर मिलेगा। और अगर आप यू नो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करते हो जैसे कि f1.8, उसमें तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा डोप मिलेंगे। सो हियर आर सम पोर्ट्रेट्स दैट आई हैव क्लिक्ड यूजिंग दिस सेल्फ पोर्ट्रेट आइडिया। So thanks for watching, don't forget to hit that subscribe button because I make a lot of videos like this, and don't forget to like this video because it will help me with the YouTube algorithm and you know let my channel grow a bit. Okay, so see you in the next video. Peace out.